हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजपाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो ना काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ड्रिल मशीन। आप देखते हो मेरे पास में एक 775 मोटर। इस मोटर के साथ में हम एक सिंपल ड्रिल बनाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इस ड्रिल मशीन को आप बना सकते हो घर पर काफ़ी ईजी तरीके से। सो दोस्तों, ये ड्रिल मशीन हमने किस तरह से बनाई वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ड्रिल मशीन बनाने के लिए मैं यूज में ले रहा हूँ डीसी मोटर 775 मॉडल की। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की थी 175 रुपये की। आप देख सकते हो 775 मॉडल नंबर है इसका, और बैरिंग वाली है, काफ़ी अच्छे से रन कर रही। उसके बाद में मैंने एक बिट लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, होल करने के लिए, जो कि 6 mm का है करीबन। और अब इस बिट को सबसे पहले इस मोटर के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के लिए मैंने लिए हैं वायर को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर होते हैं कुछ इस प्रकार के, अलग अलग साइज़ के। ये छोटे साइज़ का है और दूसरा वाला थोड़ा इससे बड़ा है और तीसरा वाला थोड़ा इससे बड़ा है। तो अलग अलग मोटर के ऊपर अलग अलग साइज़ के बिट को कनेक्ट कर सकते हैं इन कनेक्टर्स के साथ में। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग साइज़ का है, और ये वाला साइज़ इस मोटर के साथ में अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो इस कनेक्टर को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दो स्क्रू लगे हुए हैं इसके अंदर। इन स्क्रूज को खोल के कुछ इस तरह से निकाल रहा हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हो कनेक्टर को कुछ इस तरह से निकाल लिया मैंने। ये वाला पार्ट निकालना होगा। अब इस पार्ट से हमारे बिट को इस मोटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लेना, जब जाके आपके समझ में आएगी। और काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी सिंपल है इसे बनाना, आप इसे बना सकते हो। इसका जो पेच लगा था ना, पे स्क्रू लगा था, इसे टाइट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अच्छे से टाइट कर लिया मैंने। अब दूसरे वाले को भी यहाँ पे लगा लेते हैं एक बार। ये दोनों हमारे जो पेच हैं लग गए। अब इस बिट को अटैच करेंगे इसके साथ में। ये आप देखते हैं बिट हमारा कनेक्ट हो गया है। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे टाइट कर देंगे अच्छे से। कुछ इस प्रकार से बिट हमारा टाइट हो गया इसके ऊपर। तो ये हो गई हमारी सिंपल मोटर तैयार। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों इस मोटर से। अब इसके वायर कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। अब इसकी वायर कनेक्ट कर ली मैंने फटाफट से। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वायर हमारे कनेक्ट हो गए। तो इसे हम चलाने वाले हैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो आप देखते हैं मोटर हमारी काफी अच्छे से रन कर रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मेरे पास में एक WPC बोर्ड का एक टुकड़ा है जो कि 12 mm मोटाई का है, आप देख सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर होल करके देखते हैं कि हमारी मोटर काम कर रही या नहीं कर रही ड्रिल मशीन हमारी। तो ड्रिल हमारी चालू हो गई कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्रिल थोड़ी सी लोड ले रही, क्योंकि बैटरी मेरी एकदम से फुल चार्ज नहीं है, हाफ चार्ज है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, होल हमारा हो गया है इसके अंदर से आर पार कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगा, तो होल हो गया हमारा। अब एक होल और करके देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक और होल हो गया है। इस प्रकार से आप होल कर सकते हो। अब दोस्तों, मेरे पास में MDF का एक टुकड़ा है, MDF के टुकड़े में करके देखते हैं, जो कि 4 mm का है। इसमें भी होल कर पा रही है हमारी ड्रिल मशीन या नहीं कर पा रही। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस MDF के टुकड़े के अंदर भी होल हो गया है काफ़ी अच्छे से। एक और होल करके देख लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाए कि हमारी ड्रिल मशीन काम कर रही या नहीं कर रही। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके भाई को सपोर्ट करो, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आप देख सकते हो ये वाला होल भी हो गया है।
आप देख सकते हो कितने सारे होल हो गए। फिर से एक और होल करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है हमारी मशीन। ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 200 से 250 के अंदर हमारी ड्रिल मशीन तैयार हो गई। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इस तरह से गहराई में भी होल किए जा सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी गहरा होल हो गया। तो इस तरह की ड्रिल मशीन आप बना सकते हो घर पर काफ़ी इजी तरीके से। और ये ड्रिल मशीन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देख सकते हो अच्छे से होल हो गए हैं इसके अंदर, कितने सारे होल कर दिए मैंने। अब दोस्तों कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।